है काफ़ी अच्छी। इनको सबसे ज़्यादा मज़ा तो खाना खिलाने में आता है, मेरे हिसाब से सभी को आता होगा। अगर हेलो एवरीवन, वीडियो होने वाला है ये हमेशा की तरह कोई यूनिक, अद्भुत और यूनिक। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को आज दिखाने वाला हूँ मेरे पास कौन कौन सी बेहतरीन, यूनिक और कलरफुल रंगीन मछलियाँ आई हुई हैं जिनको एक्वेरियम में रखा जाता है। एक्वेरियम समझते होंगे इस तरीके से, कांच का आप लोग कहीं देखते हैं, इनमें कलरफुल जो चीज़ें मछलियाँ तैरती रहती हैं, क्योंकि जीवित मछलियाँ होती हैं, इनकी शॉप्स होती हैं, या जैसे हम लोग जैसे इसका शूटिंग करते हैं, ऐसी बहुत जगह आप लोगों को सभी शहर में दुकान मिलेगी। अगर आप लोग भी रखना चाहें तो ऐसे ख़रीद सकते हैं। आज आप लोग देखेंगे कि मेरे पास कौन कौन सी मछलियाँ आई हुई हैं, और इलेक्शन भी यहाँ पे ख़त्म हो चुके हैं पूरे ऑफ़र फ़िलहाल। अभी जो थे पुराने वो नहीं चल रहे हैं, नए सिरे से फिर से चल रहा, अभी कुछ दिनों बाद फिर देखा जाएगा ऑफ़र का आप लोगों को फ़ायदा दिया जाएगा। वैसे भी कुछ ड्राई आइटम, फिश फूड वगैरह, टर्टल फूड भी आया था। एक टर्टल फूड के डिब्बे में टर्टल फूड ही नहीं था, उसको चूहों ने काट डाला था टर्टल फूड को, आप लोग देख सकते हैं, और कार्टून में पूरा बिखरा पड़ा था। कृपया पैकिंग अच्छे से करें, उससे हम लोगों को बहुत दिक्कत होती है। तो वीडियो की शुरुआत कर रहा हूँ मैं बहुत ही कलरफुल डेनियो फिशेस से, और इसमें मोस्टली उन चीज़ों को दिखाऊंगा जो मेरे पास पहले से आउट ऑफ स्टॉक थी या थी नहीं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ग्रीन जेब्रा, ये मेरे पास काफ़ी दिनों से आउट ऑफ स्टॉक हो रही थी, और अभी अभी इनका स्टॉक आ चुका है, आप लोग देख सकते हैं। अब बेहतरीन तरीके की जेब्राज हैं, साइज़ भी अच्छी है, कलर भी अच्छा है, और क्वालिटी भी बेहतरीन है। और ये मतलब कि लो मेंटेनेंस फिश भी होती है और काफ़ी स्ट्रांग भी होती है। उसके साथ में ये मतलब कि अगर आपके पास पावर फिल्टर में मैं रखने का इनका सजेशन भी नहीं देता हूँ, क्योंकि इनको स्पंज फिल्टर में रखें और उसके एयर भी थोड़ा सा स्लो रखें। इधर टाइगर बार्ब, ये पुराना स्टॉक है, नया स्टॉक अलग है। क्राउन टेल बेट्टा फिश आप लोग देख सकते हैं, काफ़ी सुंदर और बेहतरीन है, कलर भी काफ़ी अच्छे हैं। ये मेरे पास अभी चार बची हुई हैं, एक आते साथ बिक गई। अब आप लोग देख लें इधर, ये स्ट्रेट्स भुंगिन, किसिंग गुरामी और कुछ कॉर्प्स हैं। इनकी साइज़ लगभग दो दो इंच, ढाई ढाई इंच की हैं, आप लोग देख सकते हैं। काफ़ी अच्छा ज़बरदस्त कलेक्शन है, स्टॉक काफ़ी ज़्यादा है, इसके लिए आप लोगों को फिर थोड़ा जल्दी ख़रीदना चाहिए जिससे आउट ऑफ स्टॉक हो जाए। क्योंकि जब किसी भी एक्वेरियम शॉप में आप लोग जाएँ और वहाँ पर देखें फिशेस की स्टॉक ज़्यादा हो, वहाँ से आप लोगों को जल्दी फिशेस ख़रीदना चाहिए। इसका रीज़न ये होता है कि फिशेस की थोड़ा सा प्रॉब्लम्स भी नहीं होती शॉपकीपर को रखने में, स्टोर करने में, और उनको डिसीज़ लगने के भी चांसेस कम होते हैं, जितना जल्दी बिक जाएंगे उतना ही जल्दी। क्योंकि हम लोगों के टैंक थोड़ा सा छोटे होते हैं, उनमें स्टॉक कभी कभी ज़्यादा हो जाता है, इस तरीके से क्राउड हो जाता है, तो उसे आप लोगों की मदद से हम लोगों को उसे कम करना पड़ता है, जिससे ये चारों तरफ फैल लें और मछलियाँ सेफ रहें। और ऐसा सभी शहर में करना चाहिए, जिस शॉप में आप लोग देखें कि स्टॉक आए तो उसे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप लोग आउट ऑफ स्टॉक करने की कोशिश करें, उससे एक्वेरियम शॉप वालों को काफ़ी ज़्यादा सुविधा होगी। और जहाँ पुराना स्टॉक होता है, थोड़ा सा स्टॉक होता है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम इतनी विशेष नहीं होती, क्योंकि कुछ लिमिटेड फिशेस होती हैं तो वो एक्वेरियम में सर्वाइव कर जाती हैं शॉपकीपर के पास भी, और उनको भी मेंटेनेंस करने में डिसीज़ का भी कोई ख़तरा नहीं होता, क्योंकि ऑलरेडी वो टिकी हुई और हेल्थी फिशेस होती हैं। अब आप लोग देखिए यहाँ पर फायर माउथ, रेड पैरेट, बनाना, ग्रीन टेरर, जो कि मेरे पास ये पुराना स्टॉक ही है, अभी इस पर नया कुछ नहीं है, नया स्पेशल फिशेस में कुछ आया हुआ है जो कि अलग ही है। आप लोग देख सकते हैं मेरे पास सिल्वर शार्क, ब्लू गुरामी, ये आपकी मार्बल एंजल, मोनो एंजल टैंका, जो कि ब्रैकिस वाटर की फिशेस थी, और ये काफ़ी बेहतरीन हैं। और आप लोग देखे थे सिक्स फिशेस थी, सिक्स की सिक्स अभी हैं, एक कहीं छुपी हुई है फिल्टर के पास, हाँ वो देखें, ये थोड़ा सा इनको हाइट प्लेस चाहिए होता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, अभी काफ़ी स्ट्रेस में नहीं रहती हैं। इस टाइम पे आप लोग देख सकते हैं ये ग्लो फिशेस हैं, वीडो टेट्रा बोला जाता है, काफ़ी ट्रेंड में चल रही हैं फिशेस, और ये हर बार बहुत जल्दी आउट ऑफ स्टॉक हो जाती हैं। ग्रीन जो वीडो है वो मेरे पिछली बार नहीं आई हुई थी, जो कि इस बार आ चुकी है, और आप लोग इसकी कलर और क्वालिटी वेराइटी भी देख सकते हैं, काफ़ी यूनिक और बेहतरीन है। इनके साथ में टाइगर बार्ब रखा हुआ था, अच्छे तरीके से रह रही हैं। और ये फिशेस जो हैं वीडियो टेट्रा, इनको मैंने देखा है ये स्कूलिंग भी करती हैं, लेकिन ये जो ब्लू लाइट होती है उस पर स्कूलिंग नहीं करती, और ये जब वाइट लाइट होती है उसमें काफ़ी बेहतरीन स्कूलिंग करती हैं लगभग सभी फिशेस। वैसे टाइगर बाप तो बेहतरीन तरीके से स्कूलिंग करती हैं, मतलब एक झुंड में चलना, एक साथ में रहना, खेलना बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी इस टाइम की फिशेस को मैं देखता हूँ तो मेरे पास अभी छोटे साइज़ की ऑस्कर फिशेस आ गई हैं, जो कि काफ़ी बेहतरीन है, और ये 80 रुपीज़ इंच, 80 रुपये की एक हैं ऑस्कर फिशेस, और ये मतलब एज अ पेट पालना चाहे कोई ऑस्कर फिश रखना चाहते हैं तो उनके लिए काफ़ी सुनहरा मौका है। छोटी फिशेस पालेंगे काफ़ी लंबी समय तक जीती हैं और वो आपको पहचानने भी लगती हैं। अभी वो गुरामी वगैरह के साथ भी काफ़ी अच्छे तरीके से रह रही हैं, इनके साथ में भी छोटे में आप जो भी सेट कर देंगे उनके साथ में सीख जाएंगी, फ्रेंडली हो जाएंगी। बड़े होने के बाद जब वो ऐसी हो जाती हैं तो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव भी हो जाती हैं, और मतलब किसी से नहीं डरती, चाहे वो मछली हो या इंसान हो, आप लोग देखें
सब पे अटैक करने की कोशिश करती हैं। लोग टिन फाइल बार फिशेस को भी देख सकते हैं और इसके साथ में कुछ सालबिनो हैं और ये मछली की एक अलग ही मतलब बहुत ही मज़ेदार मछली है और काफ़ी अच्छी। इनको सबसे ज़्यादा मज़ा तो खाना खिलाने में आता है, मेरे हिसाब से सभी को आता होगा अगर आप इनका एक बहुत बचपन से पालेंगे और साथ में रखेंगे तो। काफ़ी फ्रेंडली हो जाती हैं, काफ़ी इंटरेस्ट से खाना खाती हैं, काफ़ी चुलबुली होती हैं, चहल पहल होता है, मतलब खेलती रहती हैं, दिन भर प्ले करती हैं, मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग फिशेस हैं ये जो आप लोग देख सकते हैं। लीची गोल्ड और सबसे ख़ास बात मेरे पास ब्लैक गोल्ड आ चुकी है देख लें, और ये साइज़ लगभग 1.5 इंच की हैं और कलर भी इनके अच्छे हैं। कुछ पुराना स्टॉक है, कुछ नया है इस पर। येलो सेवरम मेरे पास 2-3 पीस सही हैं, जो भी पुराना स्टॉक ही है, नया वाला नहीं है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी की हैं। मेरे पास बहुत दिनों से सार फिश ख़त्म थी, आउट ऑफ स्टॉक, इस बार आई। इनकी साइज़ भी थोड़ा सा बड़ी है और क्वालिटी भी अच्छी है, क्वांटिटी भी आप लोग देख सकते हैं कि ठीक ही है। किसी मित्र भाई लोगों को चाहिए हो, काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहे थे इन फिशेस का, तो आके टाइम से ले जा सकते हैं, नहीं तो फिर आप लेट कर देंगे तो। और रेट की बात कही जाए तो जैसे इन सार फिशेस का इस टाइम पे प्राइस, इसकी जो साइज़ होगी 5 इंच तो है ही, 5 इंच आप मान सकते हो हाँ। और इसकी जो कीमत मैंने रखी हुई है 50 रुपीज़ इंच, 50 रुपये की एक है। आप लोग देख सकते हो वाइट एंजल, मार्बल एंजल, लिली गोरामी और ये सब के सब साथ में रह रही हैं काफ़ी अच्छे तरीके से। पीछे वाला बैकग्राउंड उड़ रहा है, क्या है, कुछ ऐसी मछलियाँ अपन लोगों ने एक टाइम पे रख दी थी बड़ी बड़ी जो थी, वो इन मछलियों ने जो है पीछे का बैकग्राउंड ही निकाल दिया, उसे फिर से फिल करना है लेकिन काफ़ी टाइम लगता है, इसलिए थोड़ा सा डिले हो गया। सारी मछलियों को देखने के बाद लगभग आप लोगों का आखिरी चरण चल रहा है मछलियाँ देखने का। ये गोल्ड फिशेस आई हुई हैं, नॉर्मल वाली गोल्ड फिशेस हैं जो कि 35-40 रुपीज़ होती हैं। ये मैं वैसे इंच का रेट बता रहा हूँ प्रेजेंट टाइम का, आप लोग देख लें। क्वालिटी वगैरह भी काफ़ी बेहतरीन है और साइज़ भी ठीक है, मीडियम साइज़ में है। आप लोगों को प्लांटेड टैंक में दिखा रहा हूँ जिनमें कुछ फिशेस रखा हुआ हूँ, और वो हैं स्पेशली गप्पी फिशेस जो कि मेरे पास काफ़ी दिनों से नहीं थी और आ चुकी हैं, और काफ़ी बेहतरीन यूनिक ग्रीन गप्पी हैं, ऑरेंज गप्पी हैं, दो कलर में हैं, आप लोग देख सकते हैं। और इनके जो प्राइस हैं वो 25 रुपीज़ इच हैं और क्वांटिटी भी काफ़ी अच्छी है। इनको हिडन प्लेस भी काफ़ी हम लोगों ने नेचुरल प्लांट्स डाल के रखे हैं, काफ़ी हेल्दी और हैप्पी हैं। इसको करता हूँ, आप लोगों को मेरा ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक और एक शेयर ज़रूर करेंगे, और इन्हें कुछ चाहिए होंगे आप लोगों को और आप लोग रीवा लोकल से हैं तो मेरे पास ज़रूर खरीदने आएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो, बाय बाय।